ऑफिशियल जॉब कर रहे हो और ऑफिशियल जॉब में एआई का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई की वजह से आने वाले टाइम में आपकी ये ऑफिशियल जॉब जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल ऐसे 6 जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में AI की वजह से ख़त्म हो रही है। तो अगर आप इस टाइप की किसी जॉब में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी करंट जॉब के साथ साथ में फ़ौरन कोई नई स्किल्स को सीख के अपने आप को टाइमली स्विच कर देना चाहिए, ताकि कुछ टाइमिंग बाद अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप जॉबलेस ना रह जाए। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो मार्केट से गायब हो रही हैं। उनमें से 6 ऐसे ऑफिशियल जॉब्स हैं जो आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी 6 ऐसी जॉब है जो आने वाले टाइम में AI की वजह से पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हैं। तो अगर आप कहीं इन जॉब्स में हो या इन जॉब्स को करने की प्लानिंग कर रहे हो या इन जॉब्स के लिए कोई कोर्सेज कर रहे हो, तो थोड़ा ठहर जाएँ, थोड़ा रुकें, थोड़ा देखें कि क्या आपको इधर जाना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको फ़ौरन रुक के कोई अनदर मार्केट इन डिमांड स्किल्स को सीखना चाहिए, और अगर करेंटली इन जॉब्स में भी हो तो आप टाइमली अपनी आपको मार्केट इन डिमांड स्किल्स को सीखो और अपने इस करंट एक्सपीरियंस के साथ साथ में देखो कौन से स्किल्स को बिल्ड करके आसानी से जॉब में स्विच कर सकते हो। ये डिसीजन फ़ौरन बना लें, अदरवाइज कुछ ही टाइम बाद आपकी जॉब चली जाएगी और आप घर बैठ जाएंगे खाली जॉब। तो 6 जॉब जो ऑफिशियल जॉब हैं और आने वाले टाइम में AI की वजह से ख़त्म हो रही हैं, उनमें से नंबर 1 जॉब है टेली कॉलिंग। जी हाँ, टेली कॉलिंग जो टेली मार्केटिंग में यूज़ होती हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो रही हैं। बहुत कम अब ये जॉब बची हैं, और जो कुछ भी बची हुई हैं वो थोड़ा उस कंपनी के लेट प्रोसेस की वजह से बची हुई हैं। अदरवाइज जो IT के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं, उन लोगों ने अपने पूरे इस जॉब को ख़त्म करके पूरा का पूरा रोबोटिक कर दिया है, सॉफ्टवेयर पे कर दिया है, टूल्स पे कर दिया है, AI पे कर दिया है। तो सारी मार्केटिंग अब टेली मार्केटिंग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। टेली मार्केटिंग की जो जॉब है, टेली कॉलिंग की जो जॉब है, वो कम्प्लीटली ख़त्म है। अगर आप कहीं भी अभी इस जॉब में हैं तो फ़ौरन इसको चेंज करें, कोई नई स्किल सीखो और अपने आप को उसी दूसरी जॉब्स के लिए तैयार करो। नंबर 2 जॉब है डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो और सेटल्ड हो और आप सोच रहे हो कि चलो इसी में जीवन घट जाएगा, तो ये सोचना बंद करो। आप फटाफट रीथिंक करो, नई स्किल्स को सीखो, नए कोर्सेज को करो और इसी प्रोफाइल के आधार पे कोई दूसरी जॉब्स को करने की प्लानिंग करो, क्योंकि डाटा एंट्री की जॉब्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और हो रही हैं। डेटा एंट्री की जॉब्स AI की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हैं। नंबर 3 जॉब है क्लेरिकल जॉब्स। जी हाँ, ऑफिसेज में बहुत सारे क्लेरिकल्स वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, ये सारे काम भी अब ख़त्म हो रहे हैं। जो क्लेरिकल जॉब्स है वो भी ख़त्म हो रही है AI की वजह से। अब ऐसे ऐसे CRM आ चुके हैं या ऐसे ऐसे CMS आ चुके हैं जिनकी हेल्प से ये सारे काम आपके लिए ये सॉफ्टवेयर कर देते हैं, तो उसमें क्लेरिकल जॉब्स की भी कोई रिक्वायरमेंट अब ऑफिसेज में नहीं रह रही है। तो अगर आप इस जॉब्स के भरोसे हैं अभी तक, तो आपको भी फौरन अपडेट होना चाहिए और टाइमली अपने आप को किसी दूसरी जॉब के ऊपर स्विच करना चाहिए। नंबर 4 जॉब है अकाउंटिंग जॉब्स। जी हां, अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि आप अकाउंटिंग जॉब्स में हो, किसी कंपनी का अकाउंट देख रहे हो, आपकी जॉब तो सिक्योर है, लेकिन कहीं इतनी ही जल्दी आपका बॉस आपका बोलेगा कि चलो जी आप अपना बोरा बिस्तर बांधो और जॉब खत्म है, मेरे लिए ये सारा काम AI करने वाला है, मैंने एक सॉफ्टवेयर ले लिया है, अब वो सॉफ्टवेयर मेरे लिए सारा काम करेगा। तो सिर्फ अकाउंटिंग की जॉब्स अगर आप इसके भरोसे बैठे हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके साथ साथ में अदर चीज़ें भी आप सीखो और फौरन अपने आप को अपडेट करके आप अपनी जॉब्स को स्विच अप करो। नंबर 5 जॉब है कैशियर की। स्पेशली ये जॉब्स हमारी बैंकिंग में होती है, और बैंकिंग के साथ साथ में बहुत जगह ऐसे भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे कैशियर की ज़रूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। बैंक में से कैशियर की जॉब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आज की डेट में आप किसी भी बैंक में जाते हो तो आप देखो वहाँ पे मशीन लगी है, मशीन के अंदर नोट जमा कर रहे हो और मशीन के अंदर से नोट निकाल रहे हो। ATM में से तो आप पैसे बाहर निकालते थे पहले, अब आप ATM की टाइप की मशीनों से पैसे जमा भी खुद ही कर लेते हो, तो कैशियर की ज़रूरत है ही नहीं। बैंक में से कैशियर की जॉब्स वैसे ही ख़त्म हो गई। अगर आप बैंक में जाते भी तो देखेंगे कैशियर वाला काउंटर ही गायब हो गया,
क्योंकि कैशियर की जॉब पूरी तरीके से खत्म है। तो अगर आप अभी किसी ऐसी जॉब्स में उलझे पड़े हो, ऐसा तो नहीं है, बहुत कम हो गई है, लेकिन कहीं ऐसी हो तो आपको भी दूसरी स्किल्स को अपडेट करके उसमें स्विच करना चाहिए। नंबर 6 जॉब है ट्रांसलेटर की। जी हाँ, ट्रांसलेटर, अगर आप ट्रांसलेशन का जॉब करते हो, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की जॉब्स होती है, अगर आप इन जॉब्स के भरोसे बैठे हो कि चलो आज तक ट्रांसलेटर वालों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा बनाया, और एक टाइम में ट्रांसलेटर की जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारे काम AI कर रहा है। आज के डेट में ट्रांसलेशन बहुत सारी ऐसी AI टूल्स आ चुके हैं जो आपके लिए किसी भी लैंग्वेज में आपकी चीज़ों को आपको दे देगी। आप बस एक लैंग्वेज दीजिए, उसमें से आप चूज कीजिए। आप खुद इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का टूल भी आपके पास है, जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि आपको जो लैंग्वेज चाहिए उसमें आप ये चीज़ें ले सकते हो। तो ट्रांसलेटर का काम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये थे आपके लिए 6 ऐसे ऑफिशियल जॉब्स जो AI की वजह से आने वाले टाइम में पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो टाइमली आपके लिए है, अगर आप इन जॉब्स में हैं तो मेरा काम था आपको अलर्ट करने का। आप अलर्ट हो जाए, अभी टाइम है, आप इस जॉब में जितना भी समय बचा है उस समय को नए स्किल्स को सीखने में लगाओ, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ लगाओ, नए स्किल्स को सीखो, और टाइमली कंपनी, करंट कंपनी के अंदर ही देखो कि कौन सी ऐसी जॉब्स है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप स्विच कर सकते हो। तो कंपनी चेंज करने की भी जरूरत नहीं होगी, अपने बॉस, अपने टीम लीडर, अपने मैनेजर को बताओ ये वाली स्किल्स आपके पास है, ये वाला काम आप कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको वहाँ शिफ्ट कर दे, आपकी जॉब्स बच जाएगी। तो ये थी आपके लिए 6 ऐसी जॉब। अगर आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप करना चाहते हैं, कंप्यूटर में ऐसी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं हमारे डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। ये आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप घर से अपनी स्किल्स को बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज, जहां पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं। आप इनको सीख के अपनी स्किल्स को बिल्ड करो टाइमली, और देखो फौरन इन कोर्सेज की हेल्प से आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती है, ताकि आप अपनी जॉब्स को बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।